तो गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो सब लोग? तो वेरी गुड मॉर्निंग ऋषभ कुमार सर, सिद्धेश गुड मॉर्निंग, पिंटू गुड मॉर्निंग, अदिति वेरी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो हमारी जो ये गैटबी की सीरीज है, और इस सीरीज के अंदर हमने कल पहला लेक्चर देख लिया। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया तो हमारा जो डीएनए डैमेज है उसके बारे में हम डिस्कस किया। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिपेयर के बारे में, और रिपेयर में हम पढ़ेंगे यहां पर मिसमैच रिपेयर एंड फोटो रिएक्टिवेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारा आईआईटी जाम का एग्जाम खत्म हो चुका है 2021 का। 22 का एग्जाम जो है अब वो फेज में होगा, तो बहुत टाइम है उसके लिए। टीआईएफआर का एग्जाम मार्च में हो चुका है, और वो भी फिर हमें दिसंबर में होगा या फिर अगले मार्च में होगा, तो वो भी हमारा हो चुका है। अब हमारा जो टारगेट है, हमें जो टारगेट करना है वो है गैटबी। और गैटबी का एग्जाम कब होता है? तो गैटबी का एग्जाम होता है जून के एंड में। तो इस एग्जाम के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, और यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि गैटबी के डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कई सारी डिफरेंट सीरीज जो है हम यूट्यूब के ऊपर चलाएंगे गैटबी के लिए, और उसमें हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम टॉपिक जो है यहां पर गैटबी के लिए कवर किया जाए। वर्षा गुड मॉर्निंग, रानी कुमारी गुड मॉर्निंग, अमीशा पांडे वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो जल्दी जल्दी, अभी तक अगर आपने लेक्चर का लिंक शेयर नहीं किया है तो लेक्चर के लिंक को शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करिए। तो गैटबी का आईएफएस का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। 29 मार्च को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। फीस इसकी बहुत नेग्लिजिबल है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा गैटबी का टेस्ट सीरीज है 2021 का, वो भी लॉन्च हो चुका है। इसमें टोटल 22 मॉडल टेस्ट होंगे, 5 मॉक टेस्ट होंगे, और कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन बाय आईएफएस एक्सपर्ट, तो ये भी यहां पर लॉन्च हो चुका है। आप इसके थ्रू आईएफएस के साथ जुड़ सकते हो। तो गैटबी का बैच लेना है आपको आईएफएस का, तो वो ले सकते हो। अगर आपको यहां पर टेस्ट सीरीज लेनी है गैटबी की, तो वो ले सकते हो। और इसके साथ साथ हमारी आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी 22 की टेस्ट सीरीज भी यहां पर लॉन्च हो चुकी है, मतलब वो भी आप परचेस कर सकते हो। तो आप आईएफएस के थ्रू एमएससी एंट्रेंस को टारगेट कर सकते हो, गैटबी का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आईआईटी जाम का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आईआईटी जाम का कोर्स ले सकते हो, और गैटबी का कोर्स आप यहां पर परचेस कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा टीआईएफआर की भी टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। अब ये सब बातें हुई, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट गैटबी इज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए गैटबी इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आपको यूजुअली पता नहीं है, या होगा भी तो इतने अच्छे से पता नहीं है, कि गैटबी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई होते हो तो डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको कुछ स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगा, और वो स्टाइपेंड आपको डीबीटी देगा किसके लिए? एमएससी करने के लिए। तो अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो एंड अलाइड एरियाज में करना चाहते हो, तो आपको पर मंथ 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 7,500 पर मंथ। और अगर आप एमटेक और एमएससी इन वेटरनरी साइंस प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपको 12,000 का स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा। और पोजीशन 1, 2, 3 नहीं है, 100 भी नहीं है, 500 नहीं है, 1,200 पोजीशन से यहां पर। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहां पर बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फेलोशिप को ध्यान में रखें। और यहां पर विकास कह रहे सर, मैं कल फीस पेमेंट के लिए अप्लाई किया तो वहां पर 1099 बता रहा था। ठीक है, आप एक बार आईएफएस में कॉल करिए तो आपको वहां पर उसके ऊपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, देन सैम करे, ठीक है, गुड मॉर्निंग सैम, आई वांट टू नो हाउ मेनी एमसीक्यू क्वेश्चंस विल बी इंक्लूडेड पर क्वेश्चन पेपर इन टेस्ट सीरीज ऑफ गैटबी। पर क्वेश्चन पेपर आप अगर वो हमारा देखेंगे शेड्यूल, तो वहां पर क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के।
ठीक है, 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है, फिजिक्स के एंड मैथमेटिक्स, तो इनके जो है वो कितने हैं, 25 क्वेश्चन है, 20 या 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख सकते हो एंड आई थिंक मोर देन सफिशियंट है। देयर आर टोटल 28 और समथिंग टेस्ट इन गैटबी सीरीज, मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें आपको बताया है, तो इतने सफिशियंट है और इतने कम प्राइस में इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। विकास चौधरी यू आर वेलकम, शुभज्योति कह रहे गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग शुभज्योति। तानिया सर प्लीज टेल सिलेबस ऑफ गैटबी एग्जाम, ठीक है। सिलेबस देखो, एक सेशन जो हमारा हुआ था, मैंने और दादा सर ने एक सेशन लिया था, उस सेशन के अंदर हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन मैं गैटबी का अलग से भी एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं सिलेबस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, ठीक है, उसके आप टेंशन मत लीजिए। इसी चैनल के ऊपर वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। अब ये स्टाइफंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, अभी आप अगर 5,000 का सोचोगे, अभी आप 10,000 आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये सोचिए अगर गैटबी के थ्रू अपना एडमिशन होगा एमएससी में, तो हर मंथ आपको 5,000 मिल सकते हैं, 7,500 मिल सकते हैं या 12,000 मिल सकते हैं हर मंथ। समझ रहे हो आप यहां पर क्या है? तो ये फीस मतलब क्या है, कोई भी आप अगर हमारा गैटबी का कोर्स परचेस करते हो ना, तो 2 मंथ का स्टाइपेंड है आपका, उसके बाद तो आपको 22 मंथ का स्टाइपेंड तो आपको खुद को मिलने वाला है। तो फीस इट नो, फीस जो है वो उतनी हाई नहीं जितना आप सोच रहे हो, फीस तो उसके कंपेयर में बहुत कम ही है, क्योंकि आप सिलेबस देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस हमें यहां पर कवर करना है, बहुत ज्यादा एफर्ट हम हमारे साइड से डालने वाले हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अब हम हमारे आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मिसमैच रिपेयर एंड फोटो रिएक्टिवेशन, ये हमारा टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो और एक बार बता रहा हूं मैं, गैटबी का हमारा जो बैच है वो 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, और इसके साथ साथ IIT BT का भी टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब हम जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था DL-MH और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यहां पर मिसमैच रिपेयर एंड फोटो रिएक्टिवेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपको सिर्फ देखना नहीं है, आप लोगों को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। अब इतने सारे मुझे लाइव दिख रहे, फिर इस लेक्चर को लाइक्स कम किए, चलो जल्दी से जल्दी लेक्चर को लाइक करो, बी क्विक, चलो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये चैनल आपको हर एक एमएससी एंट्रेंस के बारे में, जितने भी एमएससी एंट्रेंसेस होते उसके बारे में थोरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कौन से नए एग्जाम्स आते हैं, उनका फायदा क्या होता है, हम एलिजिबल है कि नहीं, उसको वहां पर अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, अगर ये चीजें आपको जाननी है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। तो कल जैसे आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था लेक्चर के अंदर, वैसे ही आपको यहां पर आज भी लेक्चर के अंदर क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देख रहे पहला, अब जो रेप्लिकेशन मशीनरी होती है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस है मान लो रेप्लिकेशन, ठीक है, जिसमें डीएनए का हम क्या करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, एक रेप्लिकेशन है। दूसरी जो प्रोसेस है हमारे पास वो है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और थर्ड जो प्रोसेस है हमारी वो है ट्रांसलेशन। एक रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है। अब इसमें से अगर हम बात करें इन तीनों में से, तो रेप्लिकेशन इज द मोस्ट फाइडल सिस्टम ऑफ यूनिवर्स, सबसे फाइडल, सबसे एक्यूरेट सिस्टम अगर कोई होगा तो रेप्लिकेशन है। मतलब जिस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, वहां पर रेप्लिकेशनल मशीनरी इन्वॉल्व होती है रेप्लिकेशन की, वो जो स्पीड से काम करते हैं और जिस तरीके से काम करते हैं, सबसे मिनिमम एरर रेप्लिकेशन में होते, उससे ज्यादा एरर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होते, और ट्रांसक्रिप्शन से ज्यादा एरर कहां पर होते, ट्रांसलेशन में होते। तो रेप्लिकेशन इज द मोस्ट फाइडल सिस्टम, फाइडल का मतलब एक्यूरेट सिस्टम है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां पर, वेरी गुड। अब उसके साथ साथ हम क्या कह रहे हैं यहां पर, रेप्लिकेशन मशीनरी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर
प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म. द 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस कंपोनेंट ऑफ द रेप्लीजोम, रेप्लीजोम मतलब जो पूरी मशीनरी रेप्लिकेशन कर रही है उसको रेप्लीजोम कह रहे हैं, विच रिमूव्स रॉन्गली इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोलाइड्स. ठीक है, अब हमें पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करने का काम करता है, ये रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज. इस डीएनए पॉलीमरेज के पास एक एक्टिविटी होती है और वो होती है यहां पर हम कहते हैं कि 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटीज के पास होती है. ठीक है, क्योंकि जो पॉलीमरेशन होता है वो कितना होता है, 5 to 3 होता है, लेकिन इसके पास और एक एक्टिविटी होती है और वो होती है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस है जो कट करेगा और जो रॉन्गली इनकॉर्पोरेटेड बेस है उसको बाहर निकालेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या, यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या कर रहा है, बेसिस को ऐड कर रहा है, वो बेस ऐड कर रहा है, जब रेप्लिकेशन कर रहा है तो बेसिस को ऐड कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये 3' to 5' है, क्लियर. अब यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ रहा है इस साइड में, ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसके सामने एक न्यूक्लियर ऐड हो रहा है, यहां पर एक न्यूक्लियर ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐसे न्यूक्लियर ऐड होकर यहां पर क्या किया जा रहा है, ये स्ट्रैंड एक्सटेंड किया जा रहा है. ठीक है, अब ये काम कर कौन रहा है, तो एक एंजाइम कर रहा है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, तो उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, ये ऐड कर रहा है. तो जब ये न्यूक्लियर ऐड करता है तो उसके बाद एक बार पीछे मुड़कर देखता है कि क्या मैंने सही न्यूक्लियर इनकॉर्पोरेट किया है क्या, अगर किया है तो फिर वो आगे बढ़ता है, अगर उसको लगता है कि मैंने पिछले वाले न्यूक्लियर गलत ऐड किया तो उसको क्या करता है, वो रिमूव करता है और फिर वहां पर नया ऐड कर देता है. आप समझ लो यहां पर, मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमरेज एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है और उसके साथ साथ वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. प्रूफ रीडिंग मतलब क्या, जैसे हम एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में पेपर लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और हम क्या करते हैं एंड में हमारे टीचर हमेशा में कहते हैं प्रूफ रीड करो. प्रूफ रीडिंग करो मतलब क्या, जो आपने लिखा है क्या गलती से कोई चीज जो है वो हमने मिस्टेक तो नहीं कर ली, कोई और गलती तो नहीं कर ली, वो करने वो देखने के लिए हम क्या करते हैं प्रूफ रीड करते हैं. ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियर ऐड करता है और वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है ऐड होने के बाद, हाँ क्या मैंने सही ऐड किया है क्या, हाँ किया तो आगे बढ़ता हूं, नहीं किया तो उसको क्या करता है रिमूव करता है. इसको हम क्या कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. समझ रहे हो आप यहां पर क्या कह रहे, ठीक है. तो इस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. क्लियर यहां पर? पल्लवी गुड मॉर्निंग, प्राजक्ता गुड मॉर्निंग, एक्टोर्नो कमेंट सेक्शन बताओ. उसके बाद अब प्रूफ रीडिंग जो है इंप्रूव्स द फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बाय ए फैक्टर ऑफ 100. मतलब अब यहां पर प्रूफ रीडिंग की वजह से फिडेलिटी का मतलब क्या होगा, यहां पर एक्यूरेसी, ये जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी बढ़ गई, कितने टाइम्स बढ़ गई, बाय 100 factors. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो एंजाइम न्यूक्लियर ऐड कर रहा है वही एंजाइम फिर से उसको क्रॉस चेक कर रहा है, प्रूफरीड कर रहा है, इसकी वजह से जो एक्यूरेसी है वो 100 factor से यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिडेलिटी इंक्रीज हो रही है. द प्रूफरीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस इज नॉट हाउएवर फुल प्रूफ. ठीक है, भले कुछ भी हो लेकिन अभी भी जो यहां पर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है फुल प्रूफ नहीं है. फुल प्रूफ का मतलब क्या, मान लो कि डीएनए पॉलीमरेज हर बार यहां पर पीछे देख के देख रहा है और देख रहा है कि मैंने सही न्यूक्लियर ऐड किया था कि नहीं किया था, और नहीं किया तो फिर से करता है, लेकिन उसमें भी वो गलती कर देता है. फॉर एग्जाम्पल हमने पेपर लिख लिया और हमने एक बार प्रूफ रीड कर लिया, अब प्रूफ रीड करने के बाद भी किसने कहा कि 100% चीजें हमने सही कर लिए, प्रूफ रीडिंग में भी एक आधी मिस्टेक हमारी क्या हो सकती है, इग्नोर हो सकती है. तो फिर उस चीज को कैसे पता करें, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हमें और हायर लेवल का वहां पर क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियर ऐड कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है, फिर भी उसमें गलती हो रही कि नहीं हो रही है उसको क्रॉस चेक किया गया किससे, प्रूफ रीडिंग से. अब प्रूफ रीडिंग से उसको क्रॉस चेक किया गया,
वो क्रॉस चेक कर रहे हैं, प्रूफरीड कर रहे हैं, उसमें भी गलती है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो वो कह भी रहे ना कि प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस इज नॉट ए फुल प्रूफ, फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भी गलती होने के चांसेस है। तो क्या करें, सम मिस इंटरप्रेटेड मतलब गलती से जो एड किए गए न्यूक्लियोटाइड से एस्केप द डिटेक्शन एंड बिकम्स अ मिसमैच बिटवीन न्यूक्लियस इन द स्ट्रैंड एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब डीएनए पॉलीमरेज प्रूफरीडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो कुछ बेसिस जो होते हैं वहां पर, कुछ बेसिस जो रॉन्गली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, मिस इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, वो बेस पर प्रूफरीडिंग एक्टिविटी में एस्केप कर सकते, बच सकते, उनका क्या किया जाए, उनको कैसे किया जाए। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और हाई लेवल का मैकेनिज्म यहां पर डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम कह रहे हैं कि इफ इफ द मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट सब्सिक्वेंटली डिटेक्टेड, अगर उनको डिटेक्ट नहीं किया गया एंड रिप्लेस्ड, द सीक्वेंस चेंज विल बिकम परमानेंट इन द जीनोम ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ रिप्लिकेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हम इसको समझना है। क्या कह रहे हैं, मान लो अगर गलती से कोई निगर यहां पर ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर ये डीएनए है, ठीक है, और ए टी जी सी ऐसा है, और नया जो हमने स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया, तो हमें पता है ए के सामने क्या आता है, ए के सामने टी आता है, टी के सामने क्या आता है, ए जी के सामने क्या आता है, सी, अब सी के सामने क्या आना चाहिए, जी, अब जी आ गया तो हमने यहां पर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया यहां पर डीएनए पॉलीमरेज से, मान लो सी के सामने ए हो गया, सी के सामने क्या आना चाहिए था, जी आना चाहिए था, ध्यान समझने की कोशिश करिए, अब यहां पर क्या आ गया, ए आ गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मिस इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस है, मतलब ये गलती से ऐड हो गया, अब इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, ये निकाल सकता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज़ अपनी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से जो कि 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, लेकिन अगर उससे ये बच गया, उसने प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को एस्केप कर गया, कभी कभी हम किसी मूवी में देखते हैं चोर जो है पुलिस की नजरों से बच जाते, एस्केप हो जाते, सारे चोर पकड़ में नहीं आते, वैसे मान लो ये मिस इनकॉर्पोरेटेड अगर न्यूक्लियोटाइड एस्केप हो गया तो अब क्या हो जाएगा, ये यहां पर मिस इनकॉर्पोरेटेड, अगर यहां पर और एक राउंड, ये तो क्या हो रहा था यहां पर, रिप्लिकेशन हो रहा था, तो ये रिप्लिकेशन का कौन सा था, फर्स्ट राउंड था, अगर सेकेंड राउंड हो जाएगा रिप्लिकेशन का, और एक राउंड हो जाएगा, सेकेंड राउंड मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए, सेकेंड राउंड में क्या होगा, अब ये डीएनए था आपका एक वाला, कौन सा, टी ए सी ए आ गया था यहां पर, और ये ए क्या था, मिस इनकॉर्पोरेटेड था, तो ये अब टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और जब ये टेम्पलेट तरह काम करेगा तो इसके सामने वाला जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ए टी जी और टी, अब इसको कौन कहेगा कि ये मिस इनकॉर्पोरेटेड है, ये तो है नहीं, और ये एक टेम्पलेट बना था, और दूसरा टेम्पलेट क्या था हमारा, तो दूसरा टेम्पलेट वाला ये था, दूसरे टेम्पलेट में क्या था, ए टी जी और सी, और उसके सामने अगर हमारा नया स्ट्रैंड जो बन रहा है, मान लो कि ये वाला बन रहा है, कौन सा, टी ए सी और जी हो गया, अब ये हो गया सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड जो होता है रेप्लिकेशन का, तो अब एरर फिक्स हो गया, एरर फिक्स हो गया मतलब अब क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और आपको पता है अगर म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन जो है वो क्या कर सकता है, एक स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो म्यूटेशन हाई रेट में हो, और म्यूटेशन हाई रेट में हो तो वो इंडिविजुअल को भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हैं यहां पर, तो इस तरीके से फर्स्ट राउंड ऑफ रिप्लिकेशन हो गया, तो यहां पर ये जो है मिस इनकॉर्पोरेटेड है, यहां पर सी के सामने जी होना चाहिए लेकिन क्या आ गया, ए, अब आपके पास चांस है, जब तक सेकेंड राउंड नहीं होता उस सेकेंड राउंड से पहले ही आप क्या कर दो, इस ए को यहां से हटा दो और इसके सामने क्या लाओ, जी लाओ, ये आप कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार सेकेंड राउंड ऑफ रिप्लिकेशन हो गया तो ए के सामने क्या आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ये एरर परमानेंटली फिक्स हो गया, और एरर अगर परमानेंटली फिक्स हो गया तो दैट इज रेफर्ड एज व्हाट, म्यूटेशन,
और म्यूटेशन की रेट अगर हाई होगी तो स्पीसीज को क्या कर सकती है, वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। पॉइंट समझ रहे हैं यहां पर? तो इस तरीके से हम यहां पर कह रहे हैं कि सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो फिर दिक्कत होगी। ये देखो अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्या है, वही डायग्राम में दिखाया। अब सी के सामने जी है, बहुत अच्छी बात है। जी के सामने सी है, बढ़िया है। ए के सामने टी है, बहुत अच्छी बात है। जी के सामने सी है और टी के सामने ए है, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन में क्या होगा, ये स्ट्रैंड सेपरेट होगा और ये स्ट्रैंड सेपरेट होगा। मान लो देखो ये स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो गया, ठीक है, यहां पर, और ये स्ट्रैंड यहां पर आ गया। अब जब फर्स्ट राउंड चल रहा है तो यहां पर देखो ए के सामने क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, लेकिन आ क्या गया, जी। तो ए के सामने क्या आ गया, जी आ गया, आना क्या चाहिए था, टी। तो दिस इज रॉन्गली इनकम्प्लीट। लेकिन यहां पर ए के सामने टी है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ है, इसके साथ ए एंड जी। अब ये रॉन्ग इनकम्प्लीट, अब ये यहां पर क्या हो गया है, मिस इनकम्प्लीशन है, ये गलत है। अब सेकेंड राउंड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होगा, ये स्ट्रैंड अलग होगा और ये स्ट्रैंड अलग होगा। अब ये देखिए ये स्ट्रैंड अलग हो गया तो ये कहां पर आ गया, ये आ गया यहां पर। ये स्ट्रैंड अलग हो गया तो ये आ गया यहां पर। तो ए के सामने क्या आ गया, यहां पर रेप्लिकेशन होगा तो टी आएगा, और यहां पर जी आ गया तो जी के सामने क्या आएगा, सी, और जी के सामने सी आ गया तो इसको कौन म्यूटेशन बोले, इसको कौन मिसइंक्रोशन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अब जी तो सी के साथ ही पेयर करता है, ए तो टी के साथ ही पेयर करता है, और यहां पर ए जी के साथ पेयर कर रहा है जो एक्चुअली मिस इंक्रोशन था। अब ये मिस इंक्रोशन अगर आपने सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होने से पहले अगर करेक्ट नहीं किया तो फिर वो एरर परमानेंटली फिक्स हो जाएगा, और जब भी एरर परमानेंटली फिक्स होता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, और इसकी रेट ज्यादा होगी तो इसके कंसीक्वेंसेस जो है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ग्रॉस अनफाइल्ड यूनिफाइड लाइफ के जैसे ऑफलाइन बैच कभी स्टार्ट होंगे, अभी तो नहीं होंगे, अभी कोरोना का पीरियड है, बहुत ज्यादा यहां पर केसेस बढ़ रहे, इसलिए अभी तो ऑनलाइन फोकस है, ऑफलाइन बैचेस अभी स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है, क्लियर है। तो चलो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, एस और नो, क्लियर है आप सब लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, एट दिस पॉइंट द मिसमैच विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इंस्टेड इट विल हैव रिजल्टेड इन अ परमानेंट चेंज, ए म्यूटेशन इन द डीएनए सीक्वेंस। वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अब मिसमैच और आगे नहीं रह रहा है, यही मिसमैच यहां पर क्या हो गया, परमानेंट फिक्स हो गया। अब यह क्या हो गया, म्यूटेशन। अब यही म्यूटेशन हर जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, पास होगा, और दिक्कत वाली बात होगी अगर ये म्यूटेशन कहां पर होगा, जर्म लाइन के अंदर होगा तो। क्लियर, समझ गए, वेरी गुड। अब उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से डैमेज हो गया, तो डैमेज से कैसे बचना है, उसके लिए रिपेयर सिस्टम है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी है उस एक्यूरेसी को एनहांस करने का काम यहां पर कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज की प्रोप्रिएटिविटी, और उसको और एनहांस करने का काम यहां पर कौन करेंगे, मिसमैच रिपेयर। तो चलो अब हम पॉइंट की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, मिसमैच रिपेयर को हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आपको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जब ये सेशन इंटरेक्टिव होगा तो ही हमारे लिए फायदे की बात होगी, ठीक है, समझ रहे हो यहां पर, एस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मिसमैच रिपेयर में हम क्या करें, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करें यहां पर, तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फिडेलिटी ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। फाइनलिटी मतलब क्या, जो हम कह रहे हैं कि एक्यूरेसी जो है, रेस्ट विद दिस मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मतलब पहले तो क्या होगा, अगर कोई न्यूक्लियर गलती से एड हो गया तो उसको डीएनए पॉलीमरेज अपनी प्रोप्रिएट एक्टिविटी से पहचान लेगा, अगर उस तरह बच गया तो वहां पर और हायर लेवल का मैकेनिज्म है, वो कौन है, मिसमैच रिपेयर। तो फाइनली जो भी एक्यूरेसी होगी वो एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो है मिसमैच रिपेयर सिस्टम के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर कह रहे विच इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय एन एडिशनल 2 or 3 orders ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन तो एक फाइनल प्रोसेस है, उसमें भी ओवर एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है कौन, प्रोप्रिएटिविटी, उसमें ओवर एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है कौन, मिसमैच, ठीक है। तो प्रोप्रिएटिंग जो है 100 फैक्टर से बढ़ाता है,
और मिसमैच जो है यहां पर टू और थ्री ऑर्डर्स ऑफ मैग्निट्यूड से इसको बढ़ा रहा है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उम्मीद करिए सर आपका वॉइस थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा माइक एडजस्ट कर ले प्लीज। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आवाज आ रही मेरी? यस और नो? वॉइस आ रही मेरी क्लियर? अब विच इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय एडिशनल टू और थ्री ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम आगे कह रहे मिसमैच रिपेयर को दो चैलेंजेस से, ध्यान से समझिए, मिसमैच रिपेयर को क्या होता है यहां पर, टू चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कौन से? पहला चैलेंज क्या है? फर्स्ट चैलेंज, जब आप कहीं पर भी डीएनए के अंदर मिसमैच हुआ है, ठीक है, मान लो कि ये इस तरीके से यहां पर डीएनए है और इस डीएनए के अंदर कहीं पर भी अगर मिसमैच है, इस डीएनए के अंदर कहीं पर भी अगर मिसमैच है, तो इस मिसमैच को स्कैन कर रहे हैं हमें, इस मिसमैच को हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। तो बिकॉज मिसमैच आर ट्रांजिएंट, मिसमैच कुछ टाइम के लिए ट्रांजिएंट है, मतलब क्या, ट्रांजिएंट मींस व्हाट, दे आर देयर ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिसमैच वहां पर है। और मैं जानना चाहता हूं आपसे इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कमेंट करके कि मिसमैच ट्रांजिएंट क्यों होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों रहते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए मिसमैच क्यों नहीं रहते। यस बी क्विक, जब तक आप कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं बताएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बी क्विक, चलो जल्दी से बताओ मिसमैच जो है वो ट्रांजिएंट पीरियड के लिए क्यों होते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए मुझे। बी क्विक, यस, ये लॉन्गर टाइम के लिए क्यों नहीं होते, शॉर्टर पीरियड के लिए क्यों होते हैं, एंड जबकि वो ट्रांजिएंट है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो रिपेयर सिस्टम मस्ट रैपिडली फाइंड एंड रिपेयर द मिसमैचेस। अब अगर कोई चीज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़कर वहां पर हमें क्या करना चाहिए, उसको रिपेयर करना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर हमें पता चला कि किसी मॉल में कोई ऑफर है और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, दो घंटे के लिए, चार घंटे के लिए, तो जल्दी से जल्दी मॉल में जाके हमें उस ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। वैसे अगर मिसमैच जो है वो ट्रांजिएंट है, क्यों ट्रांजिएंट है, तो उम्मीद करें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रोटीन एक्टिविटी विल डिक्रीज द मिसमैच, नो, उससे बचा है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचा है, प्रोपीडिन से बचा है, इसलिए तो मिसमैच हुआ है। अगर प्रोपीडिन उसको रिकॉग्नाइज करता, उसको हटा देता, तो फिर वो मिसमैच होता ही नहीं। ये सुधा कह रही मिसमैच विल हैव इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन द सेकंड। एब्सोल्युटली राइट सुधा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि अगर इस मिसमैच को हमने रिपेयर नहीं किया तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिप्लिकेशन, सेकेंड राउंड ऑफ रिप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, यह मिसमैच परमानेंटली फिक्स हो जाएगा एज ए म्यूटेशन। ये फर्स्ट राउंड हुआ, यहां पर ए के सामने जी है, एक बार सेकेंड राउंड ऑफ रिप्लिकेशन हो गया, दूसरा राउंड हो गया, तो अब यहां पर कहां पर मिसमैच है, ये मिसमैच क्या हो गया, फिक्स हो गया परमानेंटली, किसमें, म्यूटेशन में। तो आपके पास सेकेंड राउंड ऑफ रिप्लिकेशन हो उसके पहले का ही टाइम है, तब तक ही आप क्या कर सकते हो, उस मिसमैच को रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज मिसमैच आपसे रिपेयर होने वाला नहीं है, वो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा किसके अंदर, म्यूटेशन के अंदर। तो ये पहला प्रॉब्लम है मिसमैच के साथ कि आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मिसमैच ट्रांजिएंट होते हैं और सेकेंड राउंड ऑफ रिप्लिकेशन में मिसमैच क्या होते हैं, तो वो रिपेयर किए जाते हैं, मतलब सॉरी रिप्लिकेशन में, उनको म्यूटेशन की फॉर्म में वो फिर वहां पर क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर आ जाता है। सेकेंड क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, द सिस्टम मस्ट करेक्ट द मिसमैच एक्यूरेटली, सिस्टम ने मिसमैच को एक्यूरेटली करेक्ट करना चाहिए, that is it must replace the misinterpreted nucleotide in the newly synthesized strand not in the correct nucleotide in the parent strand। आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या है ये स्टेटमेंट कितना बड़ा हो, मैं इसको आपको एक एक इसमें समझाता हूं। देखो ये मान लो ए है
और ए के सामने क्या आया था जी, ये क्या है मिसमैच है, ऐसे और नो, तो दिस इज मिसमैच, ये मिसमैच है। अगर ए के सामने हम टी लाए, मान लो यहां पर ए के सामने टी लाए, तो दिस इज करेक्ट बेस पेयर, तो ये करेक्ट बेस पेयर है एंड दिस इज मिसमैच, ऐसे और नो, तो ये एक स्टैंड है और ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है और ये एक स्टैंड है। अब ये मिसमैच है पता चला, और मिसमैच में अब ये ए के सामने जी है, हमें पता है ए के सामने क्या होना चाहिए टी, ए के सामने यहां पर टी है लेकिन यहां पर ए के सामने जी है, लेकिन मिसमैच ने अगर इस ए को हटा दिया, मिसमैच ने अगर ए को हटा दिया और मिसमैच ने ए को हटा के यहां पर अगर सी लाया तो करेक्ट हो गया, लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, हमें ए को नहीं हटाना था, ए तो ओरिजिनल था, हमें हटाना किसको था, जी को हटाना था, क्योंकि ए के सामने जी आया था, ए के सामने क्या आना चाहिए था टी आना चाहिए था। तो अगर रिपेयर सिस्टम ने इस तरीके से काम किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अरे यू माय पॉइंट, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यस और नो? तो दो प्रॉब्लम है यहां पर मिसमैच रिपेयर के साथ, एक तो मिसमैच ट्रांजिएंट है, जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर करो, और दूसरा जो मिसमैच बेस्ड पेयर है उसमें से जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड था उसके ऊपर का न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना है, ना कि पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड था उसको रिमूव करना है। क्लियर? तो हमेशा न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो बेस था उसको हटाना है। अब कैसे डिसाइड करें कि मिसमैच को कैसे पता चलेगा कि नहीं मुझे न्यूली सिंथेसाइज जो नया स्टैंड बन रहा है टेम्पलेट स्टैंड के सामने जो नया स्टैंड बन रहा है उसका न्यूक्लियोटाइड हटाना है या फिर हमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड काटना है, ये कैसे पता चले? ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं तो ये हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, एसेंशियल कोलाई के अंदर जो मिसमैच होता है दे आर डिटेक्टेड बाय, मिसमैच आर डिटेक्टेड बाय म्यूट एस प्रोटीन, एक डाइमर होता है। ठीक है, इन एसेंशियल कोलाई द मिसमैचेस आर डिटेक्टेड बाय अ डाइमर ऑफ द मिसमैच रिपेयर प्रोटीन म्यूट एस। ठीक है, जो डाइमर होता है प्रोटीन का म्यूट एस, उससे इसको क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इन एसेंशियल कोलाई मिसमैचेस आर डिटेक्टेड बाय अ डाइमर ऑफ अ मिसमैच रिपेयर दैट इज प्रोटीन म्यूट एस, ये इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। म्यूट एस जो है वो स्कैन करता है, म्यूट एस किसको स्कैन करता है, तो म्यूट एस स्कैन्स डीएनए रिकॉग्नाइजिंग मिसमैचेस फ्रॉम द डिस्टॉर्शन दे कॉज इन द डीएनए बैकबोन। क्या कह रहे हैं हम यहां पर, म्यूटेस जो है वो डीएनए को क्या करता है, स्कैन करता है, रिकॉग्नाइजिंग द मिसमैचेस फ्रॉम द डिस्टॉर्शन दे कॉज इन द डीएनए बैकबोन। मतलब डीएनए का जो कंफर्मेशन होता है, ओरिजिनल जो शेप होता है उसमें थोड़ा अल्टरेशन आता है, जो डीएनए ओरिजिनल होता है उसमें थोड़ा अल्टरेशन आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टॉर्शन कहेंगे। तो म्यूटेस इस डिस्टॉर्शन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ऑब्वियसली बेस पेयरिंग सही नहीं होगी तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। अ की टू स्पेसिफिसिटी ऑफ म्यूटेस इज दैट डीएनए कंटेनिंग अ मिसमैच इज मोर रेयरली डिस्टॉर्टेड देन द प्रॉपरली बेस पेयर डीएनए। अब मान लो अगर कोई डीएनए प्रॉपरली बेस पेयर है तो वो ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन कोई डीएनए अगर प्रॉपरली बेस पेयर नहीं है तो वो इस तरीके से होगा, थोड़ा सा क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। तो यहां पर प्रॉपर बेस पेयरिंग है, यहां पर क्या है, प्रॉपर बेस पेयरिंग है, और यहां पर क्या है, तो इस जगह पर मिसमैच है। तो ऐसा डीएनए कहीं पर भी होगा तो उसको म्यूट एस क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो म्यूट एस का काम है रिकॉग्निशन, म्यूट एस उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, म्यूट एस का डायमर आता है, ध्यान रखे, ये आपको मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। म्यूट एस हैज एन एटीपेज एक्टिविटी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मिसमैच रिपेयर, दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा म्यूट एस है उस म्यूट एस के पास क्या होता है, एटीपेज एक्टिविटी होती है, एंड दैट एटीपेज एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर मिसमैच रिपेयर। एटीपेज एक्टिविटी किसके लिए रिक्वायर्ड है, मिसमैच रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ म्यूट एस, जो म्यूट एस का डायमर होता है,
एंड द मिसमैच कंटेन डीएनए रिक्रूट्स म्यूट एल. ठीक है, तो जो मिसमैच डीएनए है उसके ऊपर जो म्यूट एस का डाइमर बाइंड है, ये दोनों मिलकर एक और प्रोटीन को रिक्रूट करते हैं एंड दैट प्रोटीन इज म्यूट एल. किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? म्यूट एल को. ए सेकेंड प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द रिपेयर सिस्टम. ठीक है, म्यूट एल आ गया. म्यूट एल इन टर्न एक्टिवेट्स म्यूट एच. ठीक है, पहले म्यूट एच था, म्यूट एस और जो हमारा मिसमैच डीएनए था उन दोनों ने म्यूट एल को बुलाया और म्यूट एल ने किसको एक्टिवेट किया? तो म्यूट एल एक्टिवेट्स म्यूट एच, एन एंजाइम दैट कॉजेस एन इंसिजन और निक. ये म्यूट एल जो है वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर निक ऑन वन स्ट्रैंड नियर द साइट ऑफ मिसमैच. एक स्ट्रैंड के ऊपर मिसमैच. अब आपको थोड़ा समझ में दिक्कत होगी, लेकिन जब मैं आपको डायग्राम दिखा के बताऊंगा तो आपको अच्छे से वहां पर समझ में आ जाएगा. ठीक है, श्वेता अस्थाना गुड मॉर्निंग. क्लियर? तो निक क्रिएट करने का काम किसका है? म्यूट एल का. ठीक है, मिसमैच को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है? म्यूट एस का. और फिर म्यूट एल को रिक्रूट करने का काम किसका है? म्यूट एच का. एटीपेज एक्टिविटी किसके पास है? म्यूट एस के पास है. तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है यहां पर आ सकते हैं. निकिंग इज फॉलोड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक एलिकेज यू वी आर डी. ठीक है, क्या कह रहे? जो निकिंग यहां पर हो रही है, जो निक यहां पर हो रही है, इसके बाद यहां पर क्या होगा? एक स्पेसिफिक हेलिकेज का एक्शन होगा. और हेलिकेज का काम क्या होता है? कमेंट सेक्शन आपका है, बताओ जल्दी से, बी क्विक. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ फटाफट से कि हेलिकेज का फंक्शन क्या होगा. एंड वन ऑफ द थ्री एक्सोन्यूक्लियस. हमारे पास तीन टाइप्स के एक्सोन्यूक्लियस होते हैं. वो तीन एक्सोन्यूक्लियस में से किसी एक एक्सोन्यूक्लियस को यहां पर हम बुलाते हैं. ठीक है, तो मैं आपको सीक्वेंस मतलब क्या हो गया. सबसे पहले म्यूट एस ने डीएनए को स्कैन किया, उसके बाद म्यूट एस जो मिसमैच डीएनए बाइंड था दोनों ने म्यूट एच को बुला लिया. म्यूट एच ने एक्टिवेट किया म्यूट एल को. म्यूट एल ने निक क्रिएट की जहां पर मिसमैच था उसकी साइड में, और वो मिसमैच में बढ़ गया. वहां पर यूवीआरडी हेलिकेज आ गया. हेलिकेज ने डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में बढ़ करना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ साथ वहां पर कौन सा एंजाइम आ गया? एक्सोन्यूक्लियस जो है वो आ गए. और एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? तो वो डाइजेस्ट करेंगे डीएनए को. चिन्मय कह रहे इट हेल्प्स अनवाइंडिंग द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. बिल्कुल सही बात है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो हमारा हेलिकेज. श्वेता कह रही हेलिकेज डीएनए हेलिक्स टू क्लीव करता है. हेलिक्स को क्लीव नहीं करता, अनवाइंडिंग करता डीएनए के. सुधा यस यू आर राइट. सिद्धेश कह रहे सेपरेट डबल स्टैंडर्ड. बिल्कुल सही बात है सिद्धेश, बहुत बढ़िया. ठीक है, नेक्स्ट. यहां पर देखा है क्लियरली, बिल्कुल सही बात कही आपने. हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए. हेलिकेज क्या करता है? डीएनए को अनवाइंड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसिजन. ठीक है, इंसिजन से एंड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द साइट ऑफ द मिसमैच. ठीक है, जो मिसमैच की साइट है उसकी डायरेक्शन में जाता है वो वहां पर. एंड द एक्सोन्यूक्लियस प्रोग्रेसिवली digest the displaced single strand extending to and beyond the site of the mismatch nucleotide. तो क्या होता है? जो DNA helicase है, DNA जो double strand होता है उसको unwind करता है. double strand DNA को कहता है single stranded में. और उसके बाद single strand में कौन करके क्या करता है? ये move करना start करते हैं जहाँ पर nick होती है और incision होता है वहाँ पर in direction of the mismatch. then exonuclease जो है क्या करता है? progressively digest करता है क्या? डिस्प्लेस सिंगल स्टैंड एंड एक्सटिंग टू बियॉन्ड साइट ऑफ मिसमैच न्यूक्लियोटाइड. कैसे? मैं अभी बताता हूं आपको. ठीक है, द एक्शन प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंडेड गैप. ऑब्वियसली दो डीएनए को बीच में कट कर दिया तो वहां पर क्या रहेगा? गैप, विच इज देन फील्ड बाय अ डीएनए पॉलीमरेज थ्री पॉल थ्री एंड सील विथ डीएनए लाइगेज. अब कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है आपको यहां पर पता चल जाएंगे. यस श्वेता, पेशेंस को डायग्राम भी दिखाने वाला हूं. द ओवरऑल इफेक्ट इज टू रिमूव द मिसमैच एंड रिप्लेस इट विद द करेक्टली बेस पेड न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो बाद में लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं? डायग्राम देखते हैं. ठीक है, सबको डायग्राम के अंदर था, आ गई डायग्राम. क्लियर है, सिंपल सी बात है. ये देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास,
एक है थ्री प्राइम और एक है फाइव प्राइम, क्लियर। अब ये थ्री प्राइम और फाइव प्राइम यहां पर ये डाइमर बाइंड हुआ है, ये क्या है म्यूट एस, और म्यूट एस का क्या हो गया बाइंड डाइमर, और ये डाइमर क्या करता है यहां पर मिसमैच डीएनए को स्कैन करता है, ठीक है। और हमने कहा था जहां पर कहीं पर भी मिसमैच होता है तो वहां पर क्या आ जाता है डिस्टोर्शन, ये देखो टी है और टी के सामने क्या है जी है, तो यहां पर क्या आ गया डिस्टोर्शन आ गया, क्लियर। तो ऐसे डीएनए को जो मिसमैच डीएनए वहां पर म्यूट एस का डाइमर बाइंड होता है और म्यूट एस का डाइमर डीएनए को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ये म्यूट एस का डाइमर यहां पर आप देख रहे हो, ये जो यहां पर डीएनए है इस डीएनए के ऊपर मतलब जहां पर मिसमैच है वहां पर आ गया, ये डीएनए के अंदर बेंड लाएगा, बेंड करेगा, क्यों, क्योंकि म्यूट एस जो बाइंड हुआ था तो आप उसका कंफर्मेशन देखिए कैसा था, ये इसका कंफर्मेशन यहां पर गैप है, और जब म्यूट एस जब आपके एक्चुअल में जहां पर मिसमैच है वो साइड पे पहुंचता है तो उसका कंफर्मेशन ऐसा क्लोज दे, थोड़ा अलग कंफर्मेशन है, तो यहां पर अभी डीएनए के अंदर क्या लाएगा बेंड लाएगा, थोड़ा सा किंक लाएगा, ठीक है। अब इसके साथ यहां पर जुड़ेगी एटीपी, किसके साथ म्यूट एस के साथ, और ये एटीपी यहां पर इस तरीके से जुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये एटीपी हमने कहा था कि म्यूट एस को काम करने के लिए क्या चाहिए एटीपी चाहिए, क्योंकि उसके पास कौन सी एक्टिविटी है एटीपेज एक्टिविटी है। तो अब आगे क्या होगा फिर एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होगी, किसमें एटीपी इज हाइड्रोलाइज इनटू एडीपी, अब एटीपी एडीपी में हाइड्रोलाइज हो गई, तो यहां पर एक प्रोटीन आ गया और वो प्रोटीन कौन सा है म्यूट एच और म्यूट एल, दोनों ही प्रोटीन यहां पर आते हैं, और हमें पता है कि म्यूट एल जो है म्यूट एल के पास एक्टिविटी वो निक क्रिएट करता है, और म्यूट एच जो है वो म्यूट एच उस म्यूट एल को क्या करता है एक्टिवेट। तो आगे देखो यहां पर ये डायग्राम में देखो, अब यहां पर ये एटीपी इसके साथ जुड़ी थी, ठीक है, म्यूट एल एंड म्यूट एच दोनों भी यहां पर बाइंड हो गए, क्लियर। तो म्यूट एल एंड म्यूट एच दोनों यहां पर बाइंड हो गए और डीएनए के ऊपर यहां पर निक क्रिएट की गई, ठीक है, निक इज क्रिएटेड। अब ये निक क्रिएट करने के बाद यहां पर और एक एंजाइम आ गया, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस। अब मिसमैच जो है यहां पर है, इस जगह पर क्या है मिसमैच। अब उस मिसमैच के मिसमैच यहां पर मिसमैच है, उसके पहले कुछ इस जगह पर हमने क्या किया है निक क्रिएट किया है। अब ये म्यूट एच जो है यहां पर निक क्रिएट करने का काम कर रहा है। अब यहां पर एक्सोन्यूक्लियस आएगा तो ये निक से आगे यहां से यहां तक का डीएनए, ये जो मिसमैच साइड है उससे आगे तक मतलब यहां तक डीएनए डाइजेस्ट करने का काम किसने किया एक्सोन्यूक्लियस ने किया। यहां से आगे तक का डीएनए क्या हो गया डाइजेस्ट हो गया। अब ये डीएनए यहां से आगे डाइजेस्ट हो गया तो यहां पर कौन आएगा, जो भी गैप यहां पर बचा है उस गैप को फिल करने के लिए आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने यहां पर ये गैप जो है वो फिल किया और फिर यहां पर इस तरीके से मिसमैच जो है वो रिपेयर किया। अब पहले टी के सामने जी था, अब टी के सामने क्या आ गया ए आ गया, और यहां पर जो निक रहती है ये जो निक रहती है इस निक को सील्ड करने का काम, निक इज सील्ड बाय डीएनए लाइगेज। इस निक को कौन सील करता है तो डीएनए लाइगेज सील करता है, क्लियर। समझ में आ गए यहां पर क्या कहना चाहते हैं एस और नो, तो इतना सिंपल तरीके से यहां पर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं म्यूट एस म्यूट एच म्यूट एल डीएनए पॉलीमर्स थर्ड एक्सोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज, इतने प्रोटीन जो यहां पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। श्वेता कह रही म्यूट एच क्रिएट्स निक ओनली, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, म्यूट एच खुद ही एंजाइम है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है निक करने के लिए। वहां पर निक कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, सिंपली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, इज दैट सिंपल। नेक्स्ट, अब यहां पर एक क्वेश्चन था जो हमने यहां पर देखा था, बट हाउ डज द ई कोलाई मिसमैच रिपेयर सिस्टम नो which of the two mismatched nucleotides to replace,
कौन सा न्यूक्लियर रिप्लेस करना है, ये ईकोलाई के सिस्टम को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ईकोलाई एंजाइम डैम मिथाइलेज मिथाइलेट्स ए रेसिड्यू ऑन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीएटीसी 5'-3'। ठीक है, अब क्या होता है, डीएनए के अंदर, ईकोलाई के डीएनए के अंदर जहां पर कहीं पर भी, ईकोलाई डीएनए के अंदर जहां पर कहीं पर भी 5'-3', ये हमें जीएटीसी सीक्वेंस दिखेगा, उस जगह पर क्या होगा, तो वहां पर होगा मिथाइलेशन। कौन करेगा मिथाइलेशन? डैम मिथाइलेज जो है वो क्या करेगा, मिथाइलेशन करेगा। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, ठीक है, ईकोलाई का जो डीएनए उसके अंदर 4:4 मतलब 256 बेस पेयर के बाद एक बार ये सीक्वेंस आती है, कौन सी, जी ए टी सी। ऑब्वियसली ये आने के चांस कितने, 4, ये आने के 4, ये आने के 4, ये आने के 4। ठीक है, तो 4:4 क्योंकि चार ही न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनता है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड आने के चांस कितने, 1/4, थाइमिन आने के 1/4, एडेनिन आने के 1/4, साइटोसिन आने के 1/4, तो 256 में एक बार ये सीक्वेंस आ सकती है। और जहां पर कहीं पर ये सीक्वेंस होगी उस सीक्वेंस के ऊपर डैम मिथाइलेज क्या करेगा, तो डैम मिथाइलेज उस सीक्वेंस के ऊपर मिथाइलेशन ग्रुप लगाएगा। तो जितने भी जीएटीसी सीक्वेंस हो गए पूरे डीएनए के अंदर उनका मिथाइलेशन करता है कौन, डैम मिथाइलेज, दोनों स्टैंड के ऊपर, चाहे ये स्टैंड हो दोनों स्टैंड के ऊपर। ठीक है, नाउ व्हेन द रेप्लिकेशन फॉर पासेस थ्रू डीएनए इज मिथाइलेटेड एट गार्ड साइट ऑन बोथ स्टैंड द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस विल बी हेमी मिथाइलेटेड। एक होता है फुल्ली मिथाइलेटेड, मतलब यहां पर भी मिथाइल ग्रुप है, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप है, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप है, दिस इज फुल्ली मिथाइलेटेड। ठीक है, दिस इज फुल्ली मिथाइलेटेड, मतलब क्या, हर जगह पर मिथाइल ग्रुप है, ये सीधा CH3 लिख दे तो भी चल जाता, लेकिन अगर एक ही स्ट्रैंड के ऊपर मिथाइलेशन है और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर नहीं है, तो दिस स्ट्रैंड इज फुल्ली मिथाइलेटेड। और जहां पर दो स्ट्रैंड लेकिन एक ही स्ट्रैंड के ऊपर, दिस इज हेमी मिथाइलेटेड। तो एक फुल्ली मिथाइलेटेड और एक हेमी मिथाइलेटेड डीएनए है, क्लियर? तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली दस फॉर अ फ्यू मिनट्स अंटिल द डैम मिथाइलेज कैचेस अप द मिथाइलेट्स द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड डॉटर डीएनए डुप्लिक्स विल बी मिथाइलेटेड ओनली ऑन द स्ट्रैंड दैट सर्व एज अ टेम्पलेट। ठीक है, हाँ यस, वही बात करें श्वेता, आप जो कह रहे हो कि अगर दोनों स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन है तो कैसे पता चलेगा कौन सा ओल्ड है और कौन सा न्यू है। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, समझ गए। अब देखो यही तो कह रहे हैं, समझो ये डीएनए है, ठीक है, अभी आप देखिए ये डीएनए पहले कैसा था, रेप्लिकेशन होने से पहले ये ऐसा था, रेप्लिकेशन होने से पहले कैसा था ये, तो यहां पर भी इसके CH3 था, यहां पर भी इसके CH3 था, और यहां पर भी इसका CH3 था, तो इस जगह पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, और यहां पर भी CH3 है, क्लियर? ये हो गया। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ठीक है, ये देखो ये एक स्ट्रैंड है, ये 5'-2, 3'-2, 5', और यहां पर ये एक स्ट्रैंड है 3'। ठीक है, अब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, मतलब मान लीजिए दोनों सेपरेट हो गए, ये सेपरेट हो गया और इसके ऊपर क्या है, मिथाइलेशन है, इसके ऊपर क्या है, मिथाइलेशन है, और इसके ऊपर क्या है, मिथाइलेशन, और ये एक सेपरेट हो गया, और हमें पता है दोनों स्टैंड किस तरह काम करते हैं, तो दोनों स्टैंड काम करते हैं टेम्पलेट की तरफ। अब इससे जो नया स्टैंड सिंथेसाइज होने वाला है, इस स्टैंड को टेम्पलेट मानेंगे, और इससे जो नया स्टैंड सिंथेसाइज हो गया इसको टेम्पलेट मानेंगे, इसके ऊपर जो नया स्टैंड सिंथेसाइज हो गया, अब नया स्टैंड सिंथेसाइज हो गया तो उसको मिथाइलेशन होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जब भी उसको मिथाइलेशन होने में टाइम लगेगा तब तक मिसमैच रिपेयर ये मानेगा कि हाँ इसके ऊपर मिथाइलेशन नहीं ना, तो ये स्ट्रैंड है शायद इसमें मिसमैच हो सकता है और इसका ही न्यूक्लियर हमें हटा के क्या करना है, रिपेयर करना है, मिसमैच जो है वो हटा के इसको रिपेयर करना है। आप समझ रहे मेरी बात को, क्या कह रहे हैं यहां पर,
एस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले फुल्ली मिथाइलेटेड था, दिस इज फुल्ली मिथाइलेटेड, ठीक है, यहां पर दोनों साइड पे मिथाइलेशन था, लेकिन जब रेप्लिकेशन होने लगा तो रेप्लिकेशन मैंने बताया दोनों भी स्टैंड, चाहे ये स्टैंड और ये स्टैंड, किसकी तरह काम करते हैं, टेम्पलेट की तरह, तो ये टेम्पलेट है, ठीक है, और ये टेम्पलेट है, और इससे ये न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड बन रहा है, दिस इज न्यू स्टैंड, और ये भी न्यू स्टैंड। अब न्यू स्टैंड को डीएनए डायमिथाइलेज आएगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, डायमिथाइलेज आएगा वहां पर मिथाइलेशन करना स्टार्ट करेगा, तब तक हमारे पास कुछ फ्यू मिनट्स का टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में मिसमैच रिपेयर आता है, उसको स्कैन करता है, और जो भी कोई रॉन्गली इनकम्प्लीट न्यूक्लियर होगा उसको हटा के वो चला जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, मिथाइलेशन उसके ऊपर किया जाता है, ठीक है। यस श्वेता यू आर राइट, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद वो क्या बनते हैं वहां पर, तो दे एक्ट एज अ टेम्पलेट, दोनों भी स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है, बिकॉज हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ रहे। ट्रांसक्रिप्शन दो होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग, तो उसमें से एक ही जो है वो टेम्पलेट का काम करता है, लेकिन यहां पर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं। अब ये डीएनए जो है, दिस डीएनए इज व्हाट, हेमी मिथाइलेटेड, हेमी मिथाइलेटेड मतलब क्या, एक स्ट्रैंड जो है वो मिथाइलेटेड है और दूसरा स्ट्रैंड जो है नॉन मिथाइलेटेड, तो उसको क्या कहेंगे, हेमी मिथाइलेटेड। तो हेमी मिथाइलेटेड डीएनए के अंदर जो एक स्ट्रैंड जिसके ऊपर मिथाइलेशन नहीं हुआ है, उस स्ट्रैंड के ऊपर काम करेगा हमारा रिपेयर मैकेनिज्म, क्लियर। तो ये आप देख सकते हो यहां पर नेक्स्ट डायग्राम में। अब इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर आइडिया जो है वो आ जाएगा। ये देखो ना, ये क्या हो गया, दिस इज, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये देखो। अब ये आपका जो डीएनए आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज हेमी मिथाइलेटेड, ठीक है, हेमी मिथाइलेटेड ना, और इसमें से म्यूट एच कहां पर बाइंड हुआ है, किस कहां पर नहीं, किसने क्रिएट की, तो जो मिथाइलेटेड वाला है, तो दिस इज मिथाइलेटेड स्टैंड, और ये वाला जो है, दिस इज व्हाट, नॉन मिथाइलेटेड। और गलती होगी भी किसने, गलती होगी किसमें, जो न्यूली सिंथेसाइज ना, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, पेरेंट स्टैंड, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज पेरेंट स्टैंड, एंड दिस इज डॉटर स्टैंड, डॉटर या फिर हम कह सकते हैं कि नया वाला स्टैंड, न्यूली सिंथेसाइज। पेरेंट स्टैंड में तो गलती होगी नहीं, जो पेरेंट स्टैंड को देख के नया वाला स्टैंड बना रहे थे, उसके सामने वो ऐड कर रहे थे, उसके अंदर गलती होगी ना। ये देखो ना, ये न्यूली, ये पेरेंट स्टैंड है, ये पेरेंट स्टैंड है, ओल्ड स्टैंड है, और इसके ऊपर एक सीक्वेंस मान लो, जो कुछ भी सीक्वेंस इसके ऊपर। अब यहां पर निकला ऐड कर रहे हैं ना, इसमें निकला ऐड करके ऐसा क्या कर रहे हैं, यहां पर हम नया स्टैंड बना रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रॉन्ग न्यूक्लियर इंपल्ट होगा वो नए वाले पेरेंट स्टैंड में होगा ना, पेरेंट स्टैंड में होगा। इस वाले में क्या होगा, सपोज यहां पर ए था और ए के सामने यहां पर क्या आ गया, जी आ गया, तो ये मिसमैच किसमें हो गया, इसमें हो गया। तो रिपेयर सिस्टम को इस बार चलता है कि इसका ही निकालना है, इसका नहीं निकालना, तो जिसके ऊपर मिथाइलेशन होता है उसको समझते पेरेंट, और जिसके ऊपर मिथाइलेशन नहीं होता उसको हम समझते हैं डॉटर, और वहीं पर हमारा रिपेयर सिस्टम काम करता है, उसको निकाल देता है, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब इससे और डिटेल में आपको गैटबी के अंदर कभी भी नहीं पूछा जा सकता। अगर इतने लेवल का आप रिपेयर सिस्टम पढ़ते हो यहां पर, तो बिलीव मी स्टूडेंट, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर वो सीएसआर में भी आएगा, कहीं पर भी आएगा, तो आराम से आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, इतना डिटेल में हमने यहां पर डिस्कस किया है। दस न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड इज मार्क्ड, इट लैक्स अ मिथाइल ग्रुप, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के पास मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, एंड हेंस कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ स्ट्रैंड फॉर रिपेयर, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर रिपेयर करना है और किस जगह पर काम करना है, तो वो इस तरीके से हमें यहां पर पता चल जाएगा, क्लियर है, एस और नो। अब उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जासर के क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डीएनए डैमेज, ठीक है। तब तक आप एक काम करो, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, यूवी लाइट से कौन सा डैमेज होता है, बी क्विक, यूवी लाइट डीएनए के अंदर कौन सा डैमेज क्रिएट करती है, यूवी लाइट का डीएनए के ऊपर कौन सा हजार्डस इफेक्ट होता है,
जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बी क्विक, यस फटाफट से, यस श्वेता कह रही टीटी, क्या टीटी, आगे तो बोलिए, बिल्कुल जो आप से कहना चाह रहे बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आप इसमें? डबल स्टैंडर्ड ब्रेक नहीं, यूवी लाइट से नहीं होता, यूवी लाइट्स आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। सिद्धेश एक बार आप कल का लेक्चर देखिए आपको उसमें समझ आएगा, वो तो एक्सरे से होता है। यस श्वेता यू आर एब्सोल्यूट राइट, थायमिन थायमिन डाइमर होता है, चिन्मय पिरिडिन डाइमर, सुधा थायमिन थायमिन डाइमर, यस वेरी गुड, मोर अप्रोप्रिएटली हम कह सकते पिरिडिन डाइमर, क्योंकि डाइमर सिर्फ थायमिन थायमिन का नहीं होता, थायमिन साइटोसिन होगा, साइटोसिन साइटोसिन का भी हो सकता है, बिल्कुल सुधा यू आर राइट, अदिति यू आर राइट, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लेक्चर को फटाफट से लाइक करो, चलो लेक्चर को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे आज जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे ऐसा था पर्सनल कि 5 बजे शाम के 5 बजे और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो हम कल से जो सेशन होगा हमारा मॉर्निंग 11 से इसको चेंज करके हम क्या करते हैं इवनिंग को 5 बजे करते हैं, ताकि और भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कुछ लोगों का अभी कॉलेज चल रहा है, कुछ लोग क्लास में, कुछ लोगों का कॉलेज चल रहा है, कुछ लोगों का क्लास टाइमिंग है, इसलिए 11 बजे शायद उनको फिजिबल नहीं है, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे, तो हम क्या करते हैं कल से इसी लेक्चर को हम शाम 5 बजे आते हैं, ठीक है। ये सिद्धेश यू आर राइट, साइक्लोब्यूटेन रिंग जो है वो फॉर्म्ड होती है, एन एग्जांपल ऑफ रिपेयर बाय सिंपल रिवर्सल डैमेज इज फोटो रिएक्टिवेशन। तो ये सिंपल है, कैसे करेंगे इसमें देखो, फोटो रिएक्टिवेशन डायरेक्टली रिवर्सेस द फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन डाइमर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर डीएनए के ऊपर यूवी लाइट आएगी तो यूवी लाइट से वहां पर क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन रिंग तैयार होगी, पिरिमिडिन डाइमर बनेगा, चाहे वो थायमिन थायमिन हो, साइटोसिन थायमिन हो, साइटोसिन साइटोसिन हो, ये डाइमर वहां पर बनेगा, और उससे फोटो रिएक्टिवेशन के अंदर एक एंजाइम होता है, कौन सा, डीएनए फोटोलाइज कैप्चर्स द एनर्जी फ्रॉम लाइट एंड यूजेस इट टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स लिंकिंग द एडजेसेंट पिरिमिडिन, ठीक है। तो एक एंजाइम है, कौन सा, डीएनए फोटोलाइज, दैट डीएनए फोटोलाइज एंजाइम लाइट की एनर्जी को कैप्चर कर रहा है और उस एनर्जी को कैप्चर करके उसको यूज कर रहा है किसके लिए, जो थायमिन थायमिन के बीच में या पिरिमिडिन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, साइक्लोब्यूटेन रिंग बनी है, उसको ब्रेक करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिवर्सल और डायरेक्ट रिपेयर। इन अदर वर्ड्स द डैमेज्ड बेसिस आर मेंडेड डायरेक्टली। डैमेज बेस को हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं मेंडेड, मतलब क्या करते हैं, देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम में, सिंपल सा एक मिनट का काम है, बस फोकस करिए, फोकस फॉर जस्ट 1 मिनट, एक मिनट के लिए फोकस करिए। देखो ये हमारे पास नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने क्या दिया, यूवी लाइट दिया, ठीक है। ये देखो यूवी लाइट आ गई, तो यूवी लाइट की वजह से जो एडजेसेंट थायमिन थे, तो ये थायमिन के बीच में क्या बन गया, एक साइक्लोब्यूटेन रिंग बन गई, यानी कि यहां पर बन गया पिरिमिडिन डाइमर। तो नॉर्मल डीएनए को, डीएनए के डबल स्टैंड को अगर हम यूवी लाइट देते तो वहां पर बनता है पिरिमिडिन डाइमर, और पिरिमिडिन डाइमर यहां पर बन गया, तो क्या होता है, डार्क कंडीशन है या कुछ भी हो, डीएनए फोटोलाइज नाम का एक एंजाइम होता है, वो उस पिरिमिडिन डाइमर को रिकॉग्नाइज करके वहां पर बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर यूवी लाइट को बाइंड कर रहा है कौन, डीएनए फोटोलाइज, जो इस जगह पर पिरिमिडिन डाइमर को बाइंड कर रहा है। अब क्या होता है, जब भी विजिबल लाइट आएगी या जब भी लाइट आई, ये डार्क में लाइट हुआ था, जब भी लाइट आई तो यहां पर पिछले वाले स्टेटमेंट में लिखा था डीएनए फोटोलाइज कैप्चर्स द एनर्जी फ्रॉम लाइट, तो डीएनए फोटोलाइज ने विजिबल लाइट से एनर्जी ली, वो एक्टिवेट हो गया, और डीएनए फोटोलाइज ने जो थायमिन थायमिन के बीच में साइक्लोब्यूटेन रिंग बनी थी, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था, उस बॉन्ड को यहां पर ब्रेक किया, और जैसा नॉर्मल थायमिन था वो फिर से कर दिया, और डीएनए फोटोलाइज यहां से क्या हो गया, निकल गया। तो इसको हम कहते डायरेक्ट रिवर्सल, कुछ तोड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, बट जो बॉन्ड बना था उसको ब्रेक किया, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था, जो साइक्लोब्यूटेन रिंग बनी थी उसको ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया,
तो लाइट से एनर्जी कैप्चर की, किसने की? डीएनए फोटोलाइज ने। लेकिन थायमिन, थायमिन डाइमर बना कैसे था? इट इज ड्यू टू यूवी लाइट। तो ध्यान रहे, यूवी लाइट से थायमिन, थायमिन डाइमर बनता है, लेकिन विजिबल लाइट से जो थायमिन, थायमिन डाइमर है वो टूटने का या तोड़ने का काम कौन करता है? यहां पर हमारा डीएनए फोटोलाइज। तो डीएनए फोटोलाइज जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, विजिबल लाइट को, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने टूटेगा। अगर आप यहां पर कहोगे कि ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके तोड़ रहा है, यूवी लाइट को नहीं, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, यहां पर इसको तोड़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होगा आपका डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर, इतना सिंपल सा। और एक एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिवर्सल, डायरेक्ट रिवर्सल इज द रिमूवल ऑफ द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द मिथाइलेटेड बेस O6 मिथाइल गुआनिन। कल ही पढ़ा था मिथाइल गुआनिन के ऊपर मिथाइलेशन होता है, ठीक है, जो अलग अलग इफेक्ट पड़े थे, हाइड्रोलाइटिक डैमेज पड़े थे, ऑक्सीडेटिव डैमेज पड़े थे, उसमें हमने कहा था कि एक जो है O6 मिथाइल गुआनिन, यानी कि गुआनिन के 6 पोजीशन पर क्या लगता है, मिथाइल ग्रुप लगता है। तो यहां पर और एक एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, इन दिस केस जो हमारा मिथाइल ट्रांसफरेज है रिमूव्स द मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, रिमूव्स द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द गुआनिन रेसिड्यू बाय ट्रांसफरिंग इट टू वन ऑफ इट्स 16 रेसिड्यूज। ठीक है, मतलब गुआनिन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वो मिथाइल ट्रांसफरेज खुद के एक्टिव साइड में एक 16 रेसिड्यू होता है उसके ऊपर ट्रांसफर करता है, तो गुआनिन से तो मिथाइल हट गया, अब एंजाइम के ऊपर आ गया, और इसकी वजह से क्या होता है, जो मिथाइल ट्रांसफरेज है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। लिखा है यहां पर दिस इज कॉस्टली, कॉस्टली क्यों, टू द सेल बिकॉज मिथाइल ट्रांसफरेज इज नॉट कैटलिटिक, हैविंग वंस एक्सेप्टेड द मिथाइल ग्रुप इट कैनॉट बी यूज्ड अगेन। अगर एक बार उसने गुआनिन के ऊपर का मिथाइल ग्रुप अपने 16 रेसिड्यू के ऊपर लिया तो उसके बाद वो मिथाइल ट्रांसफरेज कभी भी एक्टिव नहीं होगा लाइफ में अपने, वो मिथाइल ट्रांसफरेज हमेशा के लिए क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसको ही हम सुसाइडल एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, दिस इज गुआनिन है और उसके ऊपर क्या हो गया, मिथाइलेशन हो गया, समझ रहे हो यहां पर, तो दिस इज गुआनिन और गुआनिन के ऊपर क्या हो गया, ये मिथाइलेशन हो गया, और यहां पर एक एंजाइम आ गया और उस एंजाइम का नाम क्या है, तो उस एंजाइम का नाम है यहां पर मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इस एंजाइम का नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज। तो यहां पर आ गया SH ग्रुप मिथाइल ट्रांसफरेज। अब ये जो मिथाइल ट्रांसफरेज यहां पर मिसमैच को बाइंड हो गया, और इसने क्या किया, देखो ये जो मिथाइल ग्रुप था इसने खुद के ऊपर लिया, एक्चुअली ये एक्टिव साइड में नहीं है, ये जो उसके ऊपर जो 16 रेसिड्यू होता है उसके ऊपर लेता है, एक्टिव साइड मत कर सकते इसको। अब ये SH ग्रुप है तो 16 रेसिड्यू को उसने अपने क्या लिया, मिथाइलेशन लिया। अब ये एंजाइम परमानेंटली क्या हो गया, परमानेंटली ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया। इसको हम परमानेंट इनएक्टिवेशन कह सकते हैं। अब ये एंजाइम कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है, और उसने अपना जो जी था, जी के ऊपर मिथाइल ग्रुप था वो हट गया, अब नॉर्मल हो गया। दो तरीके से डायरेक्ट रिवर्सल हो सकता है, एक तो सिंपली जो मिथाइल ट्रांसफरेज होता है वो उसके पास एक 16 रेसिड्यू होता है उसके ऊपर वो गुआनिन का मिथाइल ग्रुप निकालता है और वो अपने खुद के ऊपर लेता है, अब वो उसके ऊपर लिया तो वो एंजाइम लाइफ में फिर से कभी भी काम नहीं करता, इसको हम कहते हैं सुसाइड एंजाइम, वो लाइफ में कभी भी एक्टिव नहीं होगा। दिस इज कॉस्टली क्योंकि सेल को दिक्कत आती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल तरीके से यहां पर टॉपिक था, कौन सा, फोटो रिएक्टिवेशन, एज वेल एज हमने डिस्कस कर लिया यहां पर कौन सा दूसरा जो हमारा मिसमैच रिपेयर था। डियर स्टूडेंट्स, और एक बार मैं सबको बता रहा हूं, कल हम 5 बजे मिलेंगे इवनिंग को, 11 बजे नहीं मिलेंगे, सुबह इवनिंग को 5 बजे हम कल यहां पर मिलेंगे और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर
जो हमारा गैटबी का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। गैटबी का बैच 29 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ साथ यहां पर हम कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज जो है गैटबी का वो भी हमारा परचेस कर सकते हो। तो आप आईएफएस के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, या तो आप गैटबी का कोर्स परचेस कर सकते हो या फिर गैटबी का आप यहां पर टेस्ट सीरीज ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है गैटबी का जो स्टाइफंड है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा मतलब एमएससी स्टूडेंट के लिए दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर एंड बेस एक्सीजन रिपेयर। तो ध्यान रहे कल हम शाम को 5 बजे मिलने वाले। आप पता चल गया आपको, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जूनियर सीनियर हर किसी के लिए ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली ये सीरीज हम रन कर रहे हैं किसके लिए, गैटबी के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड योर रिस्पॉन्स। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर या फिर बेस एक्सीजन रिपेयर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आईएफएस की कल कोई भी क्लास अब मॉर्निंग में नहीं होगी क्या सर? बाकी तो शायद गेट का आप देख लीजिए एक बार, शायद उसका हो सकता है। शेड्यूल पूरे चैनल के ऊपर आता है, उसकी टेंशन नहीं है। अनिश यू आर वेलकम। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। आईएफएस एमएससी एंट्रांस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। अदिति यू आर वेलकम। ठीक है, चलो वंस अगेन थैंक यू सो मच।